Hey guys, welcome back to Market Technical. और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी. सो इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से. सो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मंथली चार्ट. सो मंथली चार्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं कि हमने मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा था. ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे फॉलो अप देखने एक्शन देखने को नहीं मिला. इंस्टेड हमें ओवरलैपिंग प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिला. आप ये जो कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों कैंडल, सो ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल को हम लास्ट इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर कह सकते हैं अगर इसके नीचे हमें मंथली क्लोजिंग मिल जाता है. आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो लो है करीब है 28,500 के आसपास, और पिछला प्राइस लेवल जो आप देख रहे हैं वो भी है करीब 28,200 के आसपास. सो इन लेवल्स के आसपास अगर हमें क्लोज देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है. तो इस मंथ का क्लोजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा सा ब्लू बॉक्स. तो ये लेवल्स हमने डेली लेवल पर मार्क करे थे, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए. सो अगर ये इस वीक ये लेवल्स होल्ड होते हैं तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है. तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आप ध्यान में रखें. तो मंथली लेवल पे आपको जो लेवल्स मिल रहे हैं वो हैं 28,500 से 28,200 के. सो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा हमें वीकनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी. अगर ये लेवल होल्ड होते हैं तो हो सकता है हमें दोबारा से रिबाउंड देखने को मिले. तो ध्यान दीजिए इन लेवल्स पर, प्राइस एक्शन को नोटिस कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो एक बुलिश, देन एक हैंगिंग वैन कैंडलस्टिक एंड बियरिश कैंडलस्टिक, तो इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर आपका बन जाएगा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न. लेकिन इवनिंग स्टार कैंडल की क्लोजिंग अगर सपोर्ट के नीचे होगी तब वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, क्योंकि अगर इस सपोर्ट के ऊपर ये क्लोजिंग आपको मिलती है तो आपको वीकनेस तो दिख रही है बट वो वीकनेस सपोर्ट के ऊपर है, तो उस केस में हमारे लिए कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो इन लेवल्स को आप ध्यान रखिए, पोजिशनल लेवल्स है. अब चलते हैं वीकली चार्ट पर. सो वीकली चार्ट अगर आप देखें तो ये लेवल्स यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है. ये जो फिबोनाची सपोर्ट जोन है करीब 28,900 से 28,780 का, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए. और आप चाहें तो ये प्राइस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं. यहाँ पे ये कैंडल सपोर्ट भी है, प्राइस सपोर्ट भी है, राइट. RSI अगर आप यहाँ पे देखें तो RSI यहाँ पे अभी 45 के आसपास है, और ज़्यादा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है. अगर आप ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न जो ये आप देख रहे हैं, इस वीक की क्लोजिंग कल होगी, फ्राइडे की क्लोजिंग है, अगर ये बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनती है, ये तीनों कैंडलस्टिक मिलकर बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न 3 ब्लैक रोज. सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो चीज़ें इंडिकेट करता है. पहला कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है. सेकेंड, ये रिवर्सल भी इंडिकेट करता है अगर हमें इसकी थर्ड कैंडल के नीचे हमें क्लोज मिल जाता है. तो ये बात आप ध्यान दीजिए. तो इस लेवल पे प्राइस एक्शन नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है हमें यहाँ से रिबाउंड भी देखने को मिल सकता है और रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है. तो आप दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें. तो अब चलते हैं डेली चार्ट पर. सो डेली चार्ट पर जैसे कि हमने ये सपोर्ट जोन मार्क किया था, तो ये परफेक्ट तरीके से ये सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर काम किए. यहाँ पे आज निफ्टी थोड़ा बाउंस बैक करता हुआ भी नज़र आया, और मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है. तो स्विंग ट्रेड जो हमने यहाँ पर हमारा इनिशिएट हुआ था वो कल क्लोज हो चुका था, राइट. सो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला. साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ऊपर के लेवल पे आपको रेसिस्टेंस काफ़ी है, तो जो भी बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा वो एक शॉर्ट लिफ्ट होगा. तो आपने आज के सेशन में देखा कि हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें तो क्लोजिंग लो के आसपास हुई है, राइट. सो कल की कैंडल आप नोटिस कीजिए कि कल की कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है. और रेसिस्टेंस लेवल्स आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं. यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो पहला रेसिस्टेंस है वो है 29,450 का, सेकंड है 29,450 से 29,750, और जो मेजर सपोर्ट मेजर रेसिस्टेंस है आपके लिए वो है 30,150 से 30,000
200 का. सो ये कुछ लेवल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मार्केट यहाँ पे 30,200 के ऊपर निकलता है तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो गिरावट है पूरी हो चुकी है और शायद हमें दोबारा से रिबाउंड देखने को मिले. तो ये लेवल्स हैं, आप ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन को नोटिस कीजिए. और आप चाहें तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड में आपको प्लॉट करके दिखा देती हूँ, सो दैट हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का वॉलीटिलिटी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है. तो बोलिंजर बैंड हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं और बाकी सारे इसको हाइड कर देते हैं, राइट. सो आपने देखा कि प्राइजेस डेली चार्ट पर राइड कर रहे थे, लेकिन आज के सेशन में ये राइड नहीं कर रहा है. कैंडलस्टिक बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड के अंदर फॉर्म हुई है, राइट, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है हमें यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल जाए, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर प्राइजेस आएंगे तो वहाँ से वो बाउंस करते ही है. चलिए अब आर्ली चार्ट भी देख लेते हैं. सो आर्ली चार्ट अगर आप देखें तो आर्ली चार्ट पे भी स्क्वीज फॉर्म होने लग गया है आज का. अगर आप, आज 25 जुलाई है, आज की कैंडल अगर आप देखें तो आज के सेशन में जो एक छोटी सी रेंज के अंदर ही ट्रेड हुआ है, ऊपर के लेवल पर रेसिस्टेंस, नीचे के लेवल पर बाइंग, तो एक यहाँ पे भी स्क्वीज फॉर्म हो रहा है. स्क्वीज इंडिकेट करती है कि इसके बाद अभी आपको कुछ टाइम के लिए साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा और साइडवेज एक्शन के बाद हमें एक कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा. जिस भी तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, चाहे वो ऊपर के लेवल पे हो चाहे वो नीचे के लेवल पे हो, आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है. सो अर्ली चार्ट से हमें यही इंडिकेशन देखने को मिल रही है. और आप अगर देखें तो कल का वीडियो भी अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था कि 15 मिनट के चार्ट पे कल हम देख रहे थे कि कल भी स्क्वीज फॉर्म हो रहा था, आज भी वो स्क्वीज आगे कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया है. तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन रहेगा, छोटी सी रेंज में ट्रेड करेगा, लेकिन जिस भी तरफ ये स्क्वीज का ब्रेकआउट आएगा उस तरफ का हमें अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है. सो ये था बैंक निफ्टी का रिव्यू. अगर आप लेवल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेवल्स कल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं. लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, राइट. तो चलिए देखते हैं अब निफ्टी के चार्ट्स. सो गाइस, ये आप निफ्टी का मंथली चार्ट देख रहे हैं. तो मंथली चार्ट यहाँ पर इस मंथ की कैंडल हमें बियरिश कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है. ब्रेकआउट पे बनी है, एक फॉल्स ब्रेकआउट था जो एक हैंगिंग मैन और इंडिसाइसिव कैंडल से हुआ. उसके बाद हमें यहाँ पे एक मंदी की कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है. दैट मीन्स जो रेसिस्टेंस पहले वाले टॉप ने क्रिएट करा था वो रेसिस्टेंस इस टॉप ने कन्फर्म किया है, राइट. और अगर आप RSI देखें तो RSI में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है. और मंथली लेवल पे अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जो है करीब आपको 11,000 के आसपास मिलता है. सो मंथली लेवल पे सपोर्ट है 11,000. और वीकली लेवल पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स काफ़ी हद तक सिमिलर है. यहाँ भी अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे हमने बात करी थी कि वीकली चार्ट पर यहाँ पर ये थ्री ब्लैक क्रोज कैंडलस्टिक बनते हुए नज़र आ रहे हैं. ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली इंडिकेट करता है या तो मार्केट ओवरसोल्ड है, और अगर इस कैंडल तीसरी कैंडल के नीचे हमें क्लोज मिलता है तो यहाँ पे ये रिवर्सल को भी इंडिकेट कर सकते हैं. सो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन कैसे रहता है, क्योंकि डेली चार्ट पे जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट किया था 11,220 से 11,180 का, तो वो अभी तक होल्ड कर रहा है. कल की वीकली क्लोजिंग है तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल हमारा किस तरह का क्लोज आता है, क्या ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे होल्ड होते हैं या फिर ब्रेक होते हैं. तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर उसको नोटिस करें, ध्यान दें. आप डेली चार्ट पे चलते हैं, राइट. सो डेली चार्ट अगर आप देखें तो आज की कैंडल वही इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसी बनी है. आप देख सकते हैं लंबी अपर शेडो है और एक स्मॉल बॉडीड कैंडल है जो अपने लो के आसपास क्लोज हुई है. और जो सपोर्ट हमने मार्क किया था कल के सेशन में, कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये सपोर्ट जोन है 11,220 से 11,180 का, तो उसी सपोर्ट जोन के आसपास बनी है. और रेसिस्टेंस जो है, पहला रेसिस्टेंस है 11,320 के आसपास, नेक्स्ट 11,400 के आसपास, उसके बाद 11,500. तो कल के वीडियो में हमने डिटेल में ये सारे रेसिस्टेंस लेवल्स डिस्कस किए थे, आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं.
सो हमारे व्यू में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सपोर्ट पे है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन कल वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग के बाद थोड़ा हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि आगे किस तरह का हमें डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड प्लॉट करके देख लेते हैं। तो सारे इन सबको हाइड कर देते हैं और बोलिंजर बैंड्स को प्लॉट करते हैं ताकि हमारा चार्ट थोड़ा क्लटर फ्री रहे, हमें अच्छे से दिख सके। सो यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे लोअर बैंड को राइड कर रहा था, कल के सेशन में अंदर आया, लेकिन आज काफ़ी आप देख सकते हैं आज जो कैंडल बनी काफ़ी बैंड के अंदर बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल तक अगर आप जो देख रहे थे, कल परसों तक, कल के वीडियो में नहीं था, मैंने डिस्कस नहीं किया था शायद। सो ये जो नो बैंड्स थे उनके डायरेक्शन अलग अलग थे। अब आप अगर आप देखें तो दोनों बैंड के डायरेक्शन एक तरफ है, दैट मीन्स जो मोमेंटम था गिरावट का वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, राइट। और RSI आपको यहाँ पे करीब 30 के लेवल पे नजर आ रही है, तो कुछ बहुत ज़्यादा इंडिकेशन हमें RSI से मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है ये। और अब चलते हैं आर्ली चार्ट पे। सो आर्ली चार्ट पे यहाँ भी आपको स्क्वीज बनता हुआ नजर आ रहा है, एक स्क्वीज फॉर्म है, तो जिस भी तरफ आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस तरफ का ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को आप ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उन लेवल्स को अपने हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। सो यहाँ पे स्क्वीज फॉर्म है, इसका इंडिकेशन मतलब यहाँ पे आपको साइडवेज देखने को एक्शन देखने को मिलेगा, और जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा उसी तरफ का हमें मूव देखने को मिल सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखने से पहले अगर आप RSI देखें तो RSI में भी यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस क्लियरली नजर आ रही है। और 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको जो स्क्वीज दिख रही है वो थोड़ी और टाइट स्क्वीज है। यहाँ पर भी आपको साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा है, RSI यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो देखिए कल किस तरह का आपको मूव देखने को मिलता है, इस स्क्वीज का ब्रेकआउट देखिए कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप उन लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं कोशिश करूंगी उनको आंसर करने का। और आप चाहें तो अपनी क्वेरीज फेसबुक ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ प्रॉपरली पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूंगी। और भी मेंबर्स हैं वहाँ पर, वो भी आपकी क्वेरीज का आंसर कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।